इस समय पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में भोले बाबा के श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है। दूर दूर से भोले बाबा के भक्त जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लूर में पहुंच रहे हैं। जितने भी सड़क माध्यम से आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में हर सुविधा जो है प्रशासन द्वारा प्रदान की गई है। लोग जो है दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो बाबा के भक्तों की संख्या है उसमें यहाँ पर इजाफा हो रहा है। इस भीषण गर्मी में लोग अपनी गाड़ियों में एसी बसेस में एसी कार में बैठकर यहाँ पर भोले बाबा के दर्शनों के लिए आगे जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों की आस्था ऐसी भी है जो लगभग नामुमकिन है, लेकिन वो लोग नामुमकिन का कार्य भी जो है वो भी मुमकिन कर दिखा रहे हैं। 1200 किलोमीटर की यात्रा अभी तक साइकिल पर कर मेरे साथ अर्जुन जी हैं जो कि भोले बाबा के दर्शनों के लिए आगे जा रहे हैं। RFID टैग इनको यहां पर मिल चुका है। अर्जुन सिंह जो कि अयोध्या से यहां पर यात्रा के लिए पहुंचे हैं, अभी अर्जुन जी जो है वो लखनपुर पहुंचे हैं। अर्जुन जी RFID टैग जो है वो आपको मिल गया? जी जी जी, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत सुविधा इतना आसान मिला कि मैं कभी जम्मू स्टेशन से लेते थे और आज दिन में बॉर्डर के पास में ही हमको प्राप्त हो गया और हर सुविधा मिलने का आशा भी विश्वास भी मिला। अर्जुन जी, जिस तरह से आपने बताया कि 1200 किलोमीटर की यात्रा अभी तक आप कर चुके हैं, कितना मुश्किल रहा है यात्रा का सफर? हमको मुश्किल एहसास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा का आस्था विश्वास है और प्रशासन के ऊपर भी विश्वास है। इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग अपने गर्मी तो जो होता रहेगा लेकिन मेरा विश्वास तो कम नहीं होगा जी। ये मेरा विश्वास कम नहीं हो सकता क्योंकि उसी का गर्मी भी है और उसी का ठंडा भी है, तो मेरा विश्वास क्यों ठंडा होगा? मेरा विश्वास तो चलेगा जी। तो कितने दिन लग गए आपको लखनपुर पहुंचते? ये हमारे आज 24 को चले थे सर, तो हमारे ख्याल से आज 8 दिन हो गया सर। तो जो ये पंजीकरण करवाया था ये आपने कब करवाया था? ये मैं सर इसी जून में पहले कराया था। अच्छा, पहले से तय था कि इस बार यात्रा जो है साइकिल पे करनी है? जी 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 जी, मेरा पूरा एकदम विचार था। जो कि हमारे साथी लोग 3 तारीख को वहाँ गाड़ी पर बैठेंगे भी, उन्होंने कहा भी कि जो भी तुम्हारे पास पैसा हो या न भी हो तो भी अभी हम जो है उनको, हमारे मनीष भाई हैं और राजन सिंह हैं, सुनील भाई हैं, हमारे बहुत से ऐसे साथी लोग हैं जिन्होंने सब कुछ मदद देने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन फिर भी कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, अर्जुन सिंह जाएगा तो बाबा का दर्शन साइकिल से ही करेगा। साइकिल से करेगा। इससे पहले कभी साइकिल पे यात्रा की हो? वैष्णो देवी माँ भवानी का 2012 और 2013 में किया था जी। तो काफी मुश्किल रहता है कि इस तरह से चिलचिलाती गर्मी में मौसम खराब है और कई बार बारिश भी होती है, तो उससे सब बाबा का दरबार से एहसास नहीं होता। और बरसात के लिए थोड़ा बहुत जो प्रशासन के तरफ से जो व्यवस्था के पहले से बताई जाती है कि बाबा की यात्रा में इस तरीके से व्यवस्था आपको जरूरी है, तो जहाँ तक होता है हम लोग व्यवस्था करके चलते हैं। अच्छा, क्या उम्मीद है कि जम्मू कब तक पहुँच जाएंगे आप? अब तो पहुँचना तो आज ही इरादा था, लेकिन थोड़ा बाबा के प्रॉब्लम से मैं कल पहुँचने का कोशिश करूंगा जी। अच्छा, आपके साथ जो दूसरे बाबा हैं ये MP से हैं, मुझे जालंधर के बाद मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि मैं वैष्णो को दर्शन के लिए निकला हूँ, तो जो मेरा बोर्ड देखे और उसके बाद बात होने लगी तो कहें कि मेरा भी करा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा। अगर बाबा पंजीकरण नहीं हुआ जी जी जी, तो ये बता रहे हैं लखनपुर में कि जम्मू में हो जाएगा, तो अगर हो जाए सर तो अच्छी बात है, उनका भी अगर मनोकामना है, अगर बाबा की इच्छा होगी तो हो जाएगी और दर्शन। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग एसी गाड़ियों में बैठ के आते हैं और कुछ लोग अब भी ऐसे भी हैं जो घर पे बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हम लोग जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे। ये झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि हालात खराब है, बहुत बेहतरीन है। मैं तो देखता रहा हूँ सर, बहुत जब जब आया मैं मुझे खुशी ही मिला और उसी खुशी के प्यार में मैं दौड़ता इसी से चला आया। अगर बाबा ने चाहा तो इसी साल ऐसे होता रहेगा, हर साल जब तक जिंदगी हाथ गोड़ चलता रहेगा। तो इतनी भीषण गर्मी में ये अर्जुन सिंह जी हैं अयोध्या से 1200 किलोमीटर की अभी तक यात्रा जो है ये कर चुके हैं और ये जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में बनाए गए रिसेप्शन सेंटर में पहुंचे हैं। इनके पास जो है रजिस्ट्रेशन था और इनको RFID टैग जो यहाँ पर मिल गया है। उम्मीद यही है कि आज ये जम्मू पहुँच जाएंगे और अपनी यात्रा जो आगे शुरू करेंगे। अर्जुन जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आप ये बताएं कि अगर प्रशासन ने अगर आपको जम्मू से आगे जाने की अनुमति नहीं दी साइकिल पर, फिर आप क्या करेंगे? सर, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन इजाज़त देगी क्योंकि आस्था को कभी प्रशासन ने धोखा नहीं दिया है। अब प्रकृति का दिन होगा, अगर आपदा आ जाए रोक दे तो बात अलग है, नहीं तो फिलहाल रुकेगा नहीं। आस्था यही है कि साइकिल पर यात्रा पूरी करनी है। पूरी आस्था है और पूरी प्रशासन पर मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा प्रशासन पूरी कराएगी, आपदा अगर कोई नहीं आती है तो।
पूरी आस्था है, पूरी उम्मीद है कि प्रशासन भी जो इनकी आस्था को है उसको देखते हुए इन्हें साइकिल पर ही आगे जाने की अनुमति देगा, क्योंकि ये यूपी अयोध्या से अभी यहाँ तक पहुँचे हैं और इनका ये कहना है कि बड़ी जल्दी भोले बाबा के दर्शनों के लिए पवित्र गुफा में वो पहुँचेंगे और भोले बाबा के दर्शन करेंगे। एक और महात्मा जी इनके साथ हैं, एक और संत समाज के लोग इनके साथ हैं, उनकी पंजीकरण नहीं है और उनकी उम्मीद है कि जम्मू में जाकर उनका पंजीकरण हो जाएगा और जिस आस्था के साथ ये भोले बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, भोले बाबा की गुफा में जा रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन जो है इनको अच्छे से हों। लखनपुर से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।